हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास एक कैश है आज जो 360 जिसे हम बोलते हैं, और वो है सैमसंग J4 प्लस के लिए मैंने परचेज किया। मेरे पास J4 प्लस का डमी पिच भी है। तो इससे पहले कि हम ये वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही रोजाना नए वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए फिर देखते हैं इस वीडियो का आगे कैसा लगता है। मेरे पास J4 है, आप देख सकते हैं गोल्डन कलर में। इस ये डमी पीस है, आप आगे लिखा हुआ भी J4 प्लस। इसमें एक ही कैमरा था पीछे और एक आगे रहता है। और इसमें अभी मैं आपको ये कवर लगा के दिखा देता हूँ कैसा लगता है। मुझे नहीं लगता जैसा ऑनलाइन पे जैसा पिक्चर दिखता है, फ़ोटो दिखता है, वैसा रियल में होता है, वैसा नहीं होता मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये काफ़ी कलर यू डल होता है, एकदम इतना रंगीन नहीं होता है, या फिर क्वालिटी इतनी वो वैसी नहीं होती जैसी फ़ोटो में अपने को दिखती है। तो मैं इसको आगे खोल के आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आगे जैसे कि लिखा हुआ 360 फुल प्रोडक्शन कैश। अभी जैसे इसके अंदर विधि दिखाई है कैसे लगाया जाता है इसको, तो वो आप देख सकते हैं इसके अंदर। अभी मैं इसको आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये मैं दोनों साइड में से रेड लगेंगे एक और, तो इसमें से इसको मैं निकाल देता हूँ अभी, और मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ फ़ोन के अंदर। पहले तो इसमें फ़ोन लगाता हूँ और सही से सेट करके दिखाता हूँ आपको कि कैमरा कहाँ रखना है और कहाँ रहेगा। इसमें थोड़ा सा नीचे कस, हाँ अभी सही है, अभी सही है। और मैं अभी आपको जो इसके दोनों साइड में है वो लगा के दिखा देता हूँ कैसा रहता है। यहाँ पे ये स्पीकर और कैमरे का रहेगा और सेंसर का भी रहेगा। चलिए इसमें इसको आगे लगा देता हूँ मैं। इसे सही से फिटिंग आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं ये यहाँ से फिट हो गया, तो मतलब ये ओके हो गया। इधर से भी इसको फिट करना रहेगा, ये देखिए आप हो गया। यहाँ से काफ़ी अच्छा लग रहा है, कंप्लीट लग रहा है, कंप्लीट लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए मैं इसको नीचे वाला ये नीचे नीचे के भाग को भी लगा देता हूँ इसमें। सके इसमें आप देख रहे हैं ये चार्जर का, एयरफोन का और वो रहेगा माइक का। तो इसको मैं इसे घुमा के इसको लगा देता हूँ मैं इसमें। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये बिल्कुल सब फिट बैठेगा, तब इसमें पता चलेगा हमें कि किस कैसा दिखता है ये। ये हो गया है, और आप देख सकते हैं इधर से भी मैंने पैक कर दिया इसको। उसके बाद देख सकते हैं आप कैसा लग रहा है इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर अच्छे से फिटिंग आ गया है और अच्छा दिख रहा है काफ़ी, पर इतना अच्छा नहीं दिख रहा जितना जैसा कि हम ऑनलाइन पे पिक्चर में देखते हैं, वैसा ही कुछ नहीं होता है। ये लोग काफ़ी अच्छी क्वालिटी का फ़ोटो डालते हैं वहाँ पे, लेकिन क्वालिटी जब हमें हाथ में आती है तो काफ़ी अलग हो जाती है वो। और इतनी मतलब बढ़िया फिटिंग भी नहीं है इसकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइड में से काफ़ी थोड़ा ढीला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयरफोन और जो चार्जिंग का सॉकेट है वो है यहाँ पर, यहाँ पर लॉक अनलॉक का, और यहाँ पे कैमरे और फ्लैश लाइट का देखिए आप, ये थोड़ा लूज टाइप रहता है, मतलब थोड़ा सा हिल रहा है मामूली, अदरवाइज ठीक ही है प्रोडक्शन, ठीक 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 ठाक प्रोडक्शन इसमें हो जाती है। जैसा ये दिखता वैसा है नहीं, क्योंकि फ़ोन काफ़ी मोटा हो जाता है इससे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस ये इतना ही था मैंने आपको दिखाया। आपको मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ज़रा से भी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी एक और वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।